गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। यहाँ पर दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, एक है मार्केट और दूसरा है सेगमेंटेशन। मार्केट का क्या मतलब होता है? आपने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा होगा, मार्केट का मतलब है वो प्लेस जहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स हैं वो मीट करते हैं। लेकिन वो प्लेस फिजिकल होना ज़रूरी नहीं है, वो प्लेस वर्चुअल भी हो सकती है। जैसे हम ई मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे ओवर द इंटरनेट आप सब कुछ कर रहे हैं, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट कर रहे हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी में उसे बाउंड आप नहीं कर सकते कि फिजिकल प्लेस होना ज़रूरी है। तो मार्केट का मतलब एनी प्लेस जहाँ पर भी आपका जो बायर और सेलर है वो मीट आउट कर रहे हैं। दूसरा जो वर्ड है दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जो वर्ड बना है, जो बेस वर्ड है इसमें, दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप सपोज एक सर्कल लेते हैं और सर्कल का एक पार्ट आप निकाल लेते हैं, जैसे एक पिज्ज़ा होता है, पिज्ज़ा का एक स्लाइस अगर आपने निकाल लिया, तो वो जो स्लाइस आपने निकाला दैट इज सेगमेंट। मतलब पूरे होल का एक पार्ट जब आप अलग कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप सेगमेंट कह रहे हैं। जो सेगमेंट होता है वो पूरे का हिस्सा तो होता है लेकिन उसका एक अपना अलग करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम उसे निकालते हैं। तो जब हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे, जो वो हम जो मार्केटर है, जो सेलर है, जो कंपनी है, उसके नज़रिए से इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि अगर उसे अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, उसे प्रॉफिट कमाना है, उसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। जैसे कि आपने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा कि जो मार्केटिंग जब हम बात करते हैं तो मार्केटिंग का एंड जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? नीड को आइडेंटिफाई करने की कस्टमर की। तो शुरू वो हो रही है आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस नीड को फुलफिल करने के लिए आप रिसर्च करोगे, सर्च करोगे, देन प्रोड्यूस करोगे गुड्स को, और उसके बाद कस्टमर को सेल करोगे, देन उसे आफ्टर सेल सर्विसेज दोगे। तो वो सारा पार्ट जो आप कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो एक स्ट्रैटेजी है बिजनेसमैन के पास, कंपनी के पास, जिससे वो कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर सकता है एज वेल एज जो उसका मेन मोटिव है दैट इज प्रॉफिट कमाना, वो अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट भी कमा सकता है। एक चीज़ और इसमें, जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आपका एक एक्शन प्लान है जिसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर। जो कंपटीशन है उसमें आगे निकलने के लिए या जो कॉम्पिटिटर ने स्ट्रैटेजी अपनाई है, कॉम्पिटिशन में जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका जो एक्शन प्लान है उसको काउंटर करने के लिए जो आप एक्शन प्लान बना रहे हैं दैट इज स्ट्रैटेजी। जैसे हम वर्ड जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं हम वर्ड्स में यूज़ करते हैं कि दुश्मन ने ये किया है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, कि अगर दुश्मन ऐसे कर रहा है तो आप उसका आंसर कैसे देंगे। तो वो जो आपके काउंटर एक्शंस होते हैं दूसरा जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके एक्शंस पर, उसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो स्ट्रैटेजी इज एक प्लान ऑफ एक्शन टू काउंटर दी कॉम्पिटिशन। तो जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो कंपनी के लिए एक तरीके से स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से उसे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उन्हें परसुएड करना है और किस तरीके से उन्हें अप्रोच करना है कस्टमर को, किस तरीके से जो उनका मार्केटिंग मिक्स है वो अप्लाई करेंगे उस कस्टमर के ऊपर। लेकिन वो कस्टमर कौन सा होना चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा? मार्केट तो बहुत बड़ी है लेकिन मार्केट का एक सेगमेंट पे अगर आप फोकस कर रहे हैं, एक पार्ट के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं और वो पार्ट है जहाँ पर आपका टारगेट कस्टमर रहता है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यही सब चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन यूजफुल टूल है मार्केटिंग मैनेजमेंट में।
मार्केट सेगमेंटेशन को फेडरिक एफ वेबस्टर ने कैसे एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में, मार्केट सेगमेंटेशन इज अ मेथड फॉर अचीविंग मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स फ्रॉम लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज बाय रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंसेस इन द रिस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द मार्केट. इट इज स्ट्रेटजी ऑफ divide and conquer that adjust marketing strategy to inherent differences in buyer behavior. ये जो एक definition है, इस definition से ही आपका पूरा chapter जो है वो complete होगा कि इस chapter में आप क्या क्या mainly focus करने वाले हो और इस chapter का crux क्या है. वो क्या है कि market segmentation क्या है, एक method है मैक्सिमम मार्केट रिस्पांस को अचीव करने का. मार्केट रिस्पांस का मतलब हुआ कि कस्टमर आपको रिस्पॉन्ड करे, आपके मार्केटिंग मिक्स को रिस्पॉन्ड करे फ्रॉम लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज. जो लिमिटेड आपके पास मार्केटिंग रिसोर्सेज है, जो मार्केटिंग रिसोर्सेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मार्केटिंग रिसोर्सेज का मतलब है जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिजिकल रिसोर्सेज कंपनी लगा रही है इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग मिक्स. प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट और प्रमोशन जो है आपके उसके ऊपर जो वो लगा रही है वो रिसोर्सेज हैं आपके, और उससे कैसे आप मैक्सिमम मार्केट रिस्पांस, मतलब कस्टमर उसको रिस्पांस करे और आपका जो एंड ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट को सेल करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, वो अचीव हो. कैसे करेंगे उसको, उसको अचीव करने का एक मेथड है मार्केट सेगमेंटेशन. ये रिकॉग्नाइज करके कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मार्केट के वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं. रिस्पॉन्स करने का मतलब कि अगर पूरी होल को हम एक मार्केट ले लें तो उस मार्केट में डिफरेंट कस्टमर्स हैं. कुछ कस्टमर्स होंगे जिनके करेक्टरिस्टिक सेम होंगे, कुछ कस्टमर्स होंगे जिनके करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे. तो आप किस तरीके से उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके जिसके करेक्टरिस्टिक सेम हैं आप उस पर अपना जो मार्केटिंग मिक्स है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप डिवाइड करते हैं और कॉन्कर करते हैं ताकि जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो इम्प्लीमेंट हो सके उस सेगमेंट पर. उस सेगमेंट को कॉन्कर आप करते हैं और किस तरीके से करते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं बायर बिहेवियर में, बायर मतलब आपका जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो उसका बिहेवियर है उसमें जो डिफरेंस होते हैं उनको, उनके लिए आप एडजस्ट करते हो और फिर अपना मार्केटिंग मिक्स जो है उनके ऊपर अप्लाई करते हो. तो इन सिंपल लैंग्वेज डिवाइड करना मार्केट को सेवरल सेगमेंट्स में इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन. और वो जो सेवरल सेगमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल हर रिस्पेक्ट में हो, इस चीज का आप कोशिश करते हैं. तो जो कंसेप्ट है मार्केट सेगमेंटेशन का वो इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि कोई भी दो जो बायर्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन वो डिफर कर सकते हैं. किस बेसिस पर? इनकम, सेक्स, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन, रिलीजन, सोशल क्लास, फैमिली लाइफस्टाइल, कल्चरल फैक्टर्स एक्सेट्रा जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स में से कुछ होमोजीनियस ग्रुप ऑफ बायर्स को आइडेंटिफाई करती है, उन्हें अलग करती हैं, उनकी नीड्स और वॉन्ट्स एक जैसी होती हैं तो उसे आप सेटिस्फाई करते हो. फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अगर हम डिवाइड करें तो मेल और फीमेल बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे हम अगर क्लोदिंग की इंडस्ट्री लेते हैं तो क्लोदिंग की इंडस्ट्री में मेल के जो आपके क्लोथ्स हैं वो अलग सेगमेंट आपने बना लिया और जो फीमेल के क्लोथ्स हैं उसका अलग सेगमेंट आपने बना लिया. तो अगर आप खाली फीमेल के क्लोथ्स में डील कर रहे हो तो आप फीमेल्स के ही क्लोथ्स के जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं वो अवेलेबल करवाओगे. आपका जो टारगेट ग्रुप रहेगा, कस्टमर्स रहेगा, वो फीमेल्स रहेंगी. तो मेल्स को आपको परसुएड करने की ज़रूरत नहीं है. आपको एडवर्टाइजमेंट जो बनानी है, प्रमोशन मिक्स जो अपना बनाना है, प्रोडक्ट मिक्स बनाना है, प्लेस बनाना है, प्राइस मिक्स बनाना है, तो आप किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? आप फीमेल के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो बनाएंगे, उसके ऊपर आप अपना मार्केटिंग मिक्स जो है इम्प्लीमेंट करेंगे. सेम तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप, इन्फेंट्स, यंग्स, एडल्ट, ओल्ड एज पे हम कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, हाई इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप एंड लो इनकम ग्रुप हम कर सकते हैं. तो ब्रॉड्स बहुत सारे जो हैं सेगमेंट
के बेसिस हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप रेडीमेड गारमेंट के इंडस्ट्री में हैं तो मेल फीमेल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपने मेल सेगमेंट चूज किया तो मेल को भी आप आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन्फेंट्स, यंग्स, एडल्ट्स और ओल्ड एज में। देन इसको आप हाई इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अंदर भी फर्दर जो आपके प्रोडक्ट आइटम हैं उनके अकॉर्डिंग आप सेगमेंट कर सकते हैं, जैसे टी शर्ट, शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, नाइट सूट्स। तो डेफिनेशन मार्केट सेगमेंट की, अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर, मार्केट सेगमेंटेशन इज द सब डिविजन ऑफ अ मार्केट इनटू होमोजीनियस सबसेट ऑफ कॉस्ट्यूम्स वेयर एनी सबसेट मे कंसीवली बी सेलेक्टेड एज अ टारगेट मार्केट To be reached with a distinct marketing mix. तो marketing segmentation क्या है, market segmentation क्या है, सब division एक market का homogeneous groups में different characteristics के according और जहाँ पर वो different characteristics को आप identify कर सकते हो, select कर सकते हो कि आपकी market target क्या होगा और उसके पास आप reach out करते हो with your different marketing mix. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मार्केट सेगमेंटेशन के, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये कि आपको ग्रुप बनाने हैं कस्टमर्स के ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे नेचर, हैबिट, बिहेवियर, इनकम, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन, रिलीजन एसेट्रा, आइडेंटिफाई करना उनकी नीड्स, टेस्ट, प्रायोरिटीज, बाइंग मोटिव्स, जो भी आपके टारगेट कस्टमर्स हैं, देन डिटरमाइन करना मार्केटिंग स्ट्रेटजी, टारगेट्स, गोल्स, फर्म के एक्टिविटीज जो है फर्म की, उन्हें कंज्यूमर ओरिएंटेड करना, आइडेंटिफाई करना एरियाज को जहाँ पे कंज्यूमर्स बनाए जा सकते हैं और जहाँ पे मार्केट एक्सपैंड की जा सकती है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केट सेगमेंटेशन का कि डिटरमाइन करना डिफरेंसेस क्या है कस्टमर्स के बीच में और उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग पॉलिसी स्ट्रेटजीज को फ्रेम करना और यही डिफरेंसेस जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है कस्टमर को वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम सिंपल सा देख लेते हैं। अगर प्रोडक्ट है आपका, सपोज हम कहते हैं कि हाई इनकम ग्रुप के लिए प्रोडक्ट है, आपने हाई इनकम ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनाया, आपने BMW बनाई या आपने कोई और बड़ी स्पोर्ट्स कार बनाई, लेकिन अगर आप उसको सेल करने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए जब आप जा रहे हो, आप जो मिडल इनकम ग्रुप है आप उसको वो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो, उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, तो क्या आपका प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि वो उनकी रीच में ही नहीं है। वो जो मिडल इनकम ग्रुप है उसकी लास्ट प्रायोरिटी होती है लग्जरी कार को खरीदना। जो सिंपल कन्वीनियंट कंफर्टेबल कार होगी वो उसको खरीद लेगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप मारुति 800 कहेंगे तो वो खरीदेगा, या फिर उससे थोड़ी और ऊपर चले जाएंगे हम, कोई ऑल्टो के बाद आप कोई जेन कहते हो या कोई आप और सियास कहते हो, तो इतने रेंज तक जो है मिडल इनकम ग्रुप रहता है। लेकिन अगर आप करोड़्स में चले जाएंगे जो आपकी लग्जरी कार्स होती हैं, तो वो उसके लिए नहीं बनाई गई है, वो बनाई गई है हाई इनकम ग्रुप के लिए। तो उसका फोकस आपको हाई इनकम ग्रुप के ऊपर रखना है। तो मार्केट सेगमेंटेशन में आप यही करते हैं कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका कस्टमर कहाँ है, क्या उसके करेक्टरिस्टिक है, उनको आपने ढूंढा और उसी ग्रुप के ऊपर आप उसी के करेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस करते हैं। देन डिफरेंस क्या है मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट सेगमेंट में, दोनों में डिफरेंस है। मार्केट सेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप मार्केट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो कंज्यूमर्स के हैं, जैसे इनकम, सेक्स, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन। लेकिन मार्केट सेगमेंट उस सेगमेंटेशन का रिजल्ट होता है, सेगमेंटेशन प्रोसेस की आप किस बेसिस पे उसको डिवाइड कर रहे हैं, और सेगमेंट जो आपने सेगमेंटेशन किया है उसका एक पार्ट, दैट इज सेगमेंट। जैसे अगर हम पिछला ही अपना एग्जांपल देखें तो जो ये प्रोसेस था जिसके अकॉर्डिंग आप इसे डिवाइड कर रहे थे कि मेल है, इन्फेंट है, यंग है, हाई इनकम ग्रुप है, टी शर्ट है, शर्ट है, तो ये पूरा प्रोसेस है मार्केट सेगमेंटेशन। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हम हाई इनकम ग्रुप्स में सिर्फ टी शर्ट्स के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, तो दैट इज योर मार्केट सेगमेंट। तो ये
बिटवीन मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केट सेगमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।